हमारे बीच में कुलदीप भंडारी जी पहुंच चुके हैं। मैं कुलदीप भंडारी जी का, जो कि हमारे संस्थान के संरक्षक हैं, और जैसा कि अभी संयुक्ता जी ने कहा और सुमित्रा किशोर जी ने आपको बताया कि हमारी हम शुक्रगुजार हैं जीतराम भट्ट जी के, दिल्ली सरकार के श्री कुलदीप भंडारी जी को उपाध्यक्ष एकेडमी का बनाया गया। जोरदार तालियों से एक बार उनका भी अभिनंदन, और हमारी जो अध्यक्षा हैं उनको भी सदस्य मनोनीत किया है, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। ये होता है किसी भी संस्था में जो कार्यरत लोग होते हैं उनका सम्मान अगर सरकार करती है तो मैं समझता हूं कि ये संस्था और व्यक्ति दोनों के लिए एक अच्छा संकेत होता है और प्रेरणा मिलती है आगे और लोगों को भी काम करने की। और ये बहुत अच्छी बात है कि जमीन से जुड़े हुए व्यक्तियों को जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं उनको दिल्ली सरकार ने हमारी अकेडमी में लिया है। तो मैं पुनः पुनः सरकार का और जीतराम भट्ट जी का यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ। जोरदार तालियों से एक बार पुनः उनका अभिनंदन। समय कम है, मैं चाहूंगा जैसा कि आप लोगों को इंतजार है कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए, तो सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम हमारा, और मैं हमारे राम प्रसाद ध्यानी जी से अनुरोध करूंगा कि दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम प्रारंभ करें। ध्यानी जी इनसे अनुरोध करूंगा कि जीतराम भट्ट जी को कुलदीप भंडारी जी, हरी सेनवाल जी, विनोद रावत जी, रमेश गिल्डियाल जी, चंद्रिका जोशी, गंभीर सिंह नेगी जी, उर्मिल नोटियाल जी, संयुक्ता ध्यानी जी, ब्रिजमोहन सेमवाल जी, डॉक्टर बेचैन कांडियाल जी और आसना नेगी जी, मेरा तमाम लोगों से अनुरोध है कि वो आए और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें दीप प्रज्वलित करके। जोरदार तालियां एक बार हो। आपकी तालियों का सहयोग हमें जरूर चाहिएगा। खैरागढ़, उमटागढ़ी, सल्ट महादेव छीनकर चौकुटिया तक गढ़ राज्य की सीमा निर्धारित की, किंतु निहत्ती तीलू रोतेली को धोखे से एक सैनिक ने घात लगाकर शहीद कर दिया। तीलू रोतेली 20-22 वर्ष की आयु में ही चली गई, किंतु उनकी वीर गाथा आज भी उत्तराखंड के जनमानस के हृदय में विद्यमान है। आज उन्हीं की याद में ये कार्यक्रम उत्तराखंड फिल्म एवं नाट्य संस्थान कर रहा है, और बल्कि कई वर्षों से करता आ रहा है। मैं यही कहूँगा, शहीदों की कब्र पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की कब्र पर लगेंगे हर बरस मेले, और वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा, यही बाकी निशान होगा। थैंक यू। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। सर्वप्रथम जैसा कि
माना जाता है किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले वंदना की जाती है। तो सर्वप्रथम आपके सामने उत्तराखंड फिल्म एवं नाट्य संस्थान के कलाकार लेकर के आ रहे हैं वंदना। जोरदार तालियों से एक बार इनका अभिनंदन।